बनाते क्या वो वीडियोस बस और कुछ नहीं और आप यहीं पे बॉम्बे बॉम्बे से 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 हो यस yes. एक्चुअली ऐसा कंट्रोवर्शियल है थोड़ा बट <laughs> मैं बॉम्बे बोलता हुँ, चलेगा हुँ। <laughs> यहां से भी डेढ़ घंटा दूर अभी आप जल्दी खत्म करोगे तो डेढ़ में पहुंचूंगा वरना दो बॉर्न एंड से बॉम्बे में जो बाहर से आते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है क्यों वो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ना बॉम्बे ऐसा है आपको प्रॉपर करियर बनाना है कुछ महीनों के लिए आना है सालों के लिए आना है ना तो इट्स बेस्ट आपको जो बनना है लाइफ में बन सकते हो यहाँ पे और आपको बनना था ठगेश ठगेश नहीं बनना था ऐसे यूट्यूबर बनना था तो वो तो हो गया अभी

तो पूरा प्रेशर हम पे ही था कि करेगा तो इसको ही कुछ करना है वरना तो कुछ नहीं होने वाला <laughs> तो वो पूरा उसमें ऐसे मोमेंट में बेटे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है पेरेंट्स के लिए हाँ। पढ़ाओगे लिखाओगे तो जाके कुछ बने मतलब दस रुपए भी डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ पंद्रह देगा पंद्रह देगा अगर कोई

तभी तो नहीं पता होता कि YouTube करेंगे आई ट्राइड इन क्रिकेट क्रिकेट बहुत ट्राई किया हाँ क्रिकेट हाँ, बट फिर क्रिकेट में तो मतलब ऐसा है कि लाइक like, सबको क्रिकेटर बनना है मतलब आप आज़ाद मैदान पे जाओगे हम वी यूज टू गो टू प्रैक्टिस अंडर 19 खेलता था हुँ. मैं मतलब इतने क्रिकेटर्स हैं आप देख के ही डिमोटिवेट हो जाओ मतलब आपको लग गया पूरा ऐसे वाइट चीटियों से भरा एक मैदान है पूरा <laughs> इसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो इधर यू हैव टू बी वेरी गुड एक्सेप्शनल आपको इतना बढ़िया होना पड़ेगा या तो फिर आपके पास मतलब वो थोड़े रिसोर्सेस इधर उधर के तो हाँ तो हो जाएगा तो एट क्लास में आपको समझ आ गया था कि करना है तो पढ़ाई लिखाई होगा आप बताओ क्या करें और नहीं, सेफ क्लास तो यही होती है तो मैंने हमेशा से बड़े बड़े कोर्सेज उठाए अपने औकात से बड़े कोर्सेज उठाए कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था मैं तो आई वॉज दैट पहला लेवल कर लिया मतलब दिस इज आफ्टर माय ट्वेल्थ पहला कर लिया दूसरे में मैंने छह अटेम्प्ट दिए okay. छह अटेम्प्ट मतलब तीन साल छह महीने में एक अटेम्प्ट होता है okay. तो छह अटेम्प्ट दिए मैंने फिर भी वो नहीं हुआ एंड में क्योंकि होना ये था क्योंकि होना ये था <laughs> बेटर होना था कुछ <laughs> तो वहां से डीमोटिवेट होके फिर आप वीडियोज वगैरह बना मैं साथ में कर रहा था लाइफ में सच्ची बता रहा हूँ मैं मैं मैंने कहीं पहले भी बोला था कि हर जगह पत्थर मारोगे ना कहीं ना कहीं तो लग जाएगा तो मैं मैंने दिमाग में ये रखा था कि एक तो मैं सी कर रहा था एक तो मैं बी कर रहा था एक तो मैं जॉब कर रहा था साथ में इवेंट्स वगैरह छोटे मोटे जो पैम्पलेट देना होता है या वॉट एवर वा, एक दिन के जो इवेंट्स होते हैं पता है एंकरिंग करने वाले एंकरिंग हो अच्छा। गया या आपको आईडी कार्ड्स कार्ड देने बाहर गेस्ट को या बाहर टेबल पे बैठ के वो देना है पेपर्स उनका वो वट एवर डेट इज तो वो हो गया उसके साथ आई वॉज डूइंग यू उसके साथ आई वॉज डूइंग मॉडलिंग

मैं हमेशा से अपना खर्चा खुद निकालता था मैंने जैसे बोला इवेंट वगैरह हो हाँ। गया कुछ सो कुछ करके दिन का हज़ार भी निकाल लिया मैंने तो अपना खर्चा निकल गया महीने हाँ। का तो वो उतना अगर लोड निकाल लिया पेरेंट्स के सर से तो दे आर लाइक ठीक है एक उम्र तक ठीक है जब तक ये कर रहा है हाँ। बट फिर अगर आप बैठे रहोगे घर पे आप सिर्फ ऑडिशन दे रहे हो उसमें आपको रिजेक्ट कर रहे हैं आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो हाँ उसमें कुछ हो नहीं रहा है तो फिर तो आए कब तक ही सपोर्ट करेंगे सही बात है वो बोला था ना कि जिम जा रहा है घर हाँ, पे आ रहा है वो हाँ, हाँ, वो मैं वो मैं वही वो बोल रहा था मैंने वो मैं था एक टाइम पे मैं मेरे छह महीना मेरी वही लाइफ थी वो अर्पित का जो आपका इंटरव्यू था वो मेरे को एक रील आया था तो मैंने देखा लड़का जिम जा रहा है घर आ रहा है सो रहा है अरे ये तो मेरी बात हो रही है मेरे छह महीने तो मैंने यही किया था पूरा <laughs> मम्मी ओट्स चाहिए <laughs> मम्मी डाइट बराबर चाहिए पैसे हो ना हो प्रोटीन पाउडर तो जाने ही दो लोकल को पता है हम ना रॉ प्रोटीन लेते थे क्योंकि वो सस्ता आता था था अच्छा वो वो डब्बे वाला आ, था डब्बे वाला वाला ही आता था बट वो रॉ होता था okay. वो हजार पंद्रह सो कुछ सस्ता होता था जिसमें फ्लेवर नहीं होता था तो कोको पाउडर खरीदते थे डीमार्ट से एंड वो उसमें डालते थे टेस्ट के लिए बॉडी तो बनानी है जिम रो रहे हो आप बहुत बहुत क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रहा था ना तो यू मतलब फिजिक होनी जरूरी है ठीक ठाक तो बिल्कुल और हाइट बिल्ड तो है आपका हाइट बिल्ड तो है उसी चक्कर में फंस गया था उसमें <laughs> पट्टी पढ़ा दी थी, थी कि भाई अच्छा दिखता है तेरे को एक्टिंग करना चाहिए गए, गए गए लग गए साल <laughs>

कि उसमें ये है अब जब मैं देख रहा हूं वो शो का लाइनअप मुझे तो पता है <laughs> <laughs> किस किस ने अपना ईमान बेचा है ईमान <laughs> के साथ बहुत कुछ बेचा है मुझे है। तो वो पता चल जाता है मॉडल्स शो डिरेक्टर्स शो डिजाइनर्स और बीच में बीच एक ना मिडल मैन होते हैं जो एकदम गवार से होते हैं जिनको ना तो उनका आउटफिट होता है शो में ना तो वो शो डिरेक्ट कर रहे होते वो क्या करते हैं पता है वो मेरे पास आएंगे फॉर एग्जाम्पल उनको मुझे बोलेंगे कि आप एक-एक ऐसा -एक एक शो है आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे एक, दि एक दिन के मैं दस या पंद्रह हजार एक एक हाँ, 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 वो कुछ <laughs> फिर डिजाइनर के पास जाते डिजाइनर भी नहीं वो थर्ड पर्सन के पास जाते समझ रहे हो जो है ही नहीं मॉडलिंग सीन में वो आपको उसके पास भेजेंगे वो आपको उसके पास भेजेंगे फिर वो डिजाइनर से एक डील क्रैक करेंगे कि ये लड़के को ले लो शो में समझ रहे आपको क्या बना दिया यहाँ पे हाँ। मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं हाँ। महेश दल ने बना दिया <laughs> <laughs> हाँ तो ऐसे करते हैं वो लोग वहां से भी कुछ आपकी रोस्टिंग वाली वो निकली तो होगी भाई इतना बहुत था अभी भी वो का मैसेज आता है

ये इंटरव्यू मॉडलिंग डिस हो रहा है <laughs> नया सेगमेंट आएगा ओके <laughs> yes. okay, तो फिर मॉडलिंग करके तो नहीं समझ आया बट अभी भी आपको एक्टर बनने है। अच्छे लोग हुँ. भी है ऐसा नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है अच्छे लोग भी है तो मैंने बहुत सारे शोज किए बट वो क्या पैसे नहीं देते कितना एक्सपीरियंस लिया एक साल तो एक्सपीरियंस लिया पैसे भी दो थोड़े तो बट वही है शोज किए उस रूट से आप एक्टिंग की तरफ जाते हो है ना अब मॉडलिंग में बोलना नहीं चाहिए बट ऐसे लोग आते हैं ना जिनको मुंह खोले तो गटर होते हैं hmm. <laughs> दिखने में इतने टिप टॉप एकदम तो गोरे चिट्टे लंबे हाइट वाले बॉडी वॉडी लेकिन hmm. मुंह खोले ना आपको लगे भाई तू मुंह बंद ही रख <laughs> तू मुंह बंद ही रख तेरा तो एक्टिंग में तो होना ही नहीं है तू खाली चल रहा पे <laughs> 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 तो ऐसे लोग बहुत होते हैं hmm. तो थोड़ा सा वहां पे मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं ठीक है लुक्स नहीं तो क्या हुआ थोड़ी बात तो कर सकते हैं हाँ

तो ये सक्सेस के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई है बिकॉज यू यू लिटरली क्लाइम्ड आपने देखा है आपने अपने हार्डशिप से देखा है और हाँ। अब आप कहीं पहुंचे हो हाउ लाइफ लाइफ मैं ना पैसों से चेंज हुआ है बस पैसे बहुत सारे हैं काम डबल ट्रिपल है स्ट्रेस भी है जो पहले सोचता था कि अगर इतने पैसे आ गए अगर एक घर आ गया अगर एक गाड़ी आ गया फिर तो मैं सेट हूँ लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हुई अभी शांति क्यों नहीं है मेंटली शांति क्यों नहीं मिल रही अभी तक तो वैसा ही है वो आप खुश रहना सीखना पड़ेगा आपको बिना पैसों के खुश अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आएंगे और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मनी मतलब आपके पास सेफ साइड है पैसे आपको कभी कोई फैमिली में इमरजेंसी आई मेडिकल इमरजेंसी आपको सोचना नहीं पड़ेगा बट अगेन ये नहीं है कि आप एकदम मतलब फैल के बैठोगे कि हाँ नहीं भाई वो मन हाँ मतलब अगर सक्सेसफुल हो तो वो एक कोट है ना कि

It's not good, थोड़ा सा हो गया ये इतना इतना भी बट नहीं है वो वो मेरा मेंटली अभी वो हो गया है। गिल्टी, फील गिल्टी फील होता है बहुत होता है आप बचपन पता है हम गेम्स वगैरह खेलते थे पांच पांच घंटे खेलते कुछ लगता नहीं था हम कुछ खा ले तो लगता नहीं था हर चीज में ऐसा लगता है कुछ खा लो तो लगता है यार पेट पेट आ जाएगा पेट आ जाएगा थोड़ा सा वो फैट आ जाएगा गेम खेलना तो अरे यार दो घंटे में तो कुछ और लिख लेता मैं तो वो अभी

सक्सेस या फेम होती है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है hmm. लेके hmm. 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 like कि, ले hmm. कि कैसे कुछ ना कुछ नया लाना है बिकॉज अगर शायद मैं अभी भी थर्ड लाइफ बनाता तो मैं इंटरव्यू भी नहीं दे रहा होता hmm. आप बुलाते भी नहीं मुझे yeah. <laughs> तो वही है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया लाना ही पड़ेगा ऑडियंस देखो अभी मैंने एक मिलियन की ऑडियंस जो की तीन साल पहले मेरी एक मिलियन की ऑडियंस हुई सोलह सत्रह साल के बच्चे थे तीन साल बाद वो उन्नीस बीस साल के हो गए वो कॉलेज में आ रहे वो शायद पार्ट टाइम जॉब कर रहे उनके पास टाइम नहीं है वैसा कॉन्टेंट देखने का मेरी ऑडियंस भी बड़ी हो रही है मेरे साथ तो कंटेंट को भी थोड़ा इवॉल्व करना जरूरी है चैनल पे तो वो बिलीव करता हूँ एंड राइज एंड फॉल आप जैसे बोल रहे हो कि ये होता है कि जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ना वो शायद मैंने जितना नोटिस किया पैटर्न वो जल्दी गिरता है पता नहीं क्यों इसलिए मैं वो सोचता हूँ कि मेरी एक बहुत वायरल वीडियो ना हो जाए मेरी एक वीडियो पे मुझे नहीं चाहिए कि पचास मिलियन व्यूज़ है मेरी हर वीडियो पे डेढ़ डेढ़ मिलियन होंगे मुझे चलेगा मेरी <laughs> सच्ची में मेरे को नहीं चाहिए पचास मिलियन व्यूज एक वीडियो पे सब पे डेढ़ डेढ़ दो मुझे बांट बांट के दो चलेगा ऐसा उन लोगों के लिए भी कहते हैं कहते हैं कि नया नया पैसा जिसके पास आता है ना तो वो रिटेन नहीं कर पाता क्योंकि पता नहीं होता इतने उसका क्या करना है वो ऐसे स्पेंड थ्रिफ्ट सा बन जाता है तो आई थिंक नए नए फेम की भी सक्सेस की भी ऐसी सीन होता है पैसे का तो पता नहीं यार बट कंटेंट का मुझे पैसे तो अभी सबके ऊपर है कैसे उड़ाते हैं वो <laughs> मेरा तो मन नहीं करता ज्यादा उड़ाने का <laughs> नहीं नहीं हमने सुना है कि आपको शौक है गैजेट्स का बहुत गैजेट्स का तो इतना नहीं है परफ्यूम मैं बहुत उड़ाता हूँ मैं ऐसे वो कलेक्ट करता हूँ बाकी कपड़े वपड़े तो ठीक है लेते रहते हैं लोग गैजेट्स काम से रिलेटेड जो गैजेट्स होते हैं ना उस उसपे ज्यादा मैं खर्चा करता हूँ माइक अच्छा, माइक हो गया जैसा अभी मैंने मैंने बोला हाँ। ना यही वाला मैंने दो दिन पहले खरीदा आउट टू ये जो अच्छा किया बहुत ज्यादा खर्चा किया क्या बनाया हाँ वो बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया बड़ा तगड़ा हुआ है जीब में तो वही है मैं ज्यादा ट्राई करता हूँ गाड़ियों वगैरह में ना इन्वेस्ट करूँ मतलब डेटिंग चीज़ों में ना इन्वेस्ट करूं। अब कॉन्टेंट में करो जिससे मेरा रन टाइम ज्यादा हो जाए इंडस्ट्री में और न्यू ऑडियंस भी आती रहे तो इवेंचुअली पैसा आ जाएगा पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है पैसे के साथ एक तो मैं थोड़ा सा ना इंपल्सिव बायर तो हूँ तो मैं अपने आप को ट्राई करता हूँ कंट्रोल करूँ मतलब चीज़ें मुझे लगा कि ये जरूरत है तो मैं भी ले लूँ फिर वो आ जाएगी घर पर हाँ। तो लगे यार ये तो मतलब ठीक ही है उतना कुछ अपग्रेड तो हुआ नहीं तो फिर वैसी रिलेशन है बट आई ऑलवेज ट्राई बिकॉज

Eventually, जब भी शादी करोगे, would you also look for a partner जो इतनी ही होगी उस view में देखती पैसों को? हाँ, of course. मुझे नहीं पसंद उड़ाने वाले लोग। ये <laughs> ये <laughs> ये वो ये वो ये वो जरूरत है, वो है ठीक बट जबरदस्ती के खर्चे मुझे नहीं पसंद जरूरत है तो ठीक है शौक है आपके वैसे परफ्यूम्स के, के अलावा कैसे पहला शौक? शौक कौन सा पूरा किया पहला ना मेरा गाड़ी का शौक था हमेशा लगता था यार तो मैंने ली थी एक फोर्थ हैंड या थर्ड हैंड होंडा सिटी ली थी मैंने अभी तक पड़ी है इतनी गंदी गाड़ी है मेरे को बेचने भी नहीं हो रही मेरे नाम पे भी नहीं हो रही वो इतने खराब डीलर साले डीलर को बहुत मारूंगा तीन साल से मेरे नाम पे नहीं हो रही वो गाड़ी हा? मैं क्या करूँ ठीक है छोड़ो वो तो एक बार मैं दादर गया था वो कार रुक गई थी बीच गली में और पीछे से आ रही है एम्बुलेंस एम्बुलेंस में है पेशेंट एम्बुलेंस वाला अपना हॉर्न बजाया जा रहा है मेरी गाड़ी तो बंद पड़ी है अब मैं करूँ क्या अब मैं अकेला वाला है है उसने गाड़ी ली अभी अभी की बात डेढ़ सस्ती कार ले लो लेकिन नहीं लो प्लीज सेकंड के चक्कर में <laughs> मत पड़ो कोई भी चीज तो, तो पहला शौक गाड़ी का पहला वो सेकंड हैंड ली फिर नई गाड़ी ली फिर नई ली फिर घर का तो हमेशा से एक था कि खुद का चाहिए मतलब बचपन से ऐसे जब से मैं लाइक मैंने बोला एट नाइन से ना जब आता था तो ऐसी बिल्डिंग्स देखता था ऐसा तो लगता था यार ऐसी बिल्डिंग में अपना एक घर होना चाहिए हमेशा हाँ, मेरा चौल टाइप में ही था घर पहले से तो ऐसा लगता है बिल्डिंग में चाहिए घर एक बस अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे दोस्तों को लेके आ सके हम लोग बिकॉज अगर आप मेरे चैनल पर पहला या कुछ एक वीडियो है मैंने ऐसे ही एक इंटरव्यू लिया था एक मेच्योर बॉय करके बंदा था मेच्योर बैग वाला बंदा बहुत पहले वायरल हुआ था तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया था मेरा घर वैसा था नहीं तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया उसके घर पे मैंने इंटरव्यू लिया था तो ऐसा था कि अपना भी एक सही सा घर हो तो फिर वो वाला पूरा किया मम्मा पापा प्राउड एकदम खुश और पापा के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है बढ़िया है Usually, जो इंडियन होते हैं उनके, उनके फादर्स के के साथ साथ रिलेशनशिप ना तो लव चलती चलती है 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 या थोड़ी सी टेंस कि आंखों 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 में आँखों की में की शर्म बात बात हो जाती सच <laughs> हाँ। ऐसे बात नहीं, होती। नहीं 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 होती ऐसी कुछ नहीं है, सब हाँ। ज़्यादा क्लोज है, रिलेशन टाइम्स है, नहीं है। okay. हमेशा सीरियस हाँ, बट वो खत्म हो गया टाइम टाइम पास टाँग पास में <laughs> ए, एक हफ्ता या दो हफ्ता या चार महीने सब ऐसे ही होते बट है। आपने अपनी पूरी वो करी थी कि शिद्दत से मैं तो अंदर हाँ मैं तो शिद्दत से गया हमेशा कभी कोई गलत इंटेंशन से नहीं जाता या कभी कभी ऐसा नहीं लगता की चलो कोई काम नहीं है लाइफ में तो तीन महीने टाइम पास करें ऐसे कभी हुआ ही नहीं और हार्ट ब्रेक भी हुए होंगे फिर तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है <laughs> बहुत पहले हुए थे उसके बाद नहीं हुए उसके बाद मैंने मैंने ही एक दो तो की है। ओहो, the heartbreaker. ऐसा था कि मुझे ना चाहिए थोड़ा सा फ्रीडम काम करने में हुँ. मुझे नहीं चाहिए काम, हाँ, तो हाँ, काम कर रहा है क्यों इतना पढ़ाई कर रहा है तो, तो उसमें सटक जाती है मेरी के। नहीं भाई मेरे को तो करना है मेरा काम तो हार्ट ब्रेक कैसे प्रोसेस करते हो आप क्योंकि ना बहुत यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं और उनके लिए ट्रिकीटेरियन होता है के दिल टूट गया या रिजेक्शन फेस करी है इस चीज को प्रोसेस कैसे करेंगे दिमाग में भाई यार पॉडकास्ट पे बैठा हूँ मतलब ये नहीं कि मेरे को हर चीज का ज्ञान है <laughs> तुमको जो करने पता <laughs> <देखो, और laughs> हार्ड ब्रेक मतलब क्या अभी कैसे बताऊँ यार मैं नहीं लेता सीरियसली मैं एज अ पर्सन ना उतना नहीं सीरियसली लेता हार्ड ब्रेक को मैं भूल जाता हूँ मेरे लिए काम मैटर ज्यादा करता है फैमिली ज्यादा मैटर करती है तो मैं हार्ड ब्रेक चल निकल ज्यादा चार दिन बुरा लगा छह दिन बुरा लगा फिर हो गया

एटीट्यूड मारता बिकॉज मैं होता हूँ काम में अब बहुत बार ऐसा होता है मैं कोई बुलाया नीचे भाई बैठते नहीं बैठ सकता यार क्या करूं? मेरे को ब्रांड को वीडियो देना है मेरे को एडिट करना है अभी मेरे को आने का मन तो है हाँ। मेरे को जाने का मन है मुझे भी घूमने का मन है बट वही है कि तुम भी थोड़ा समझना चाहिए लोगों को ये नहीं आ सकता हर जगह पर फिर ना बोलेंगे तो अब कैसा होता है पता है जो समझो मैं इंसल्ट भी करता हूँ रोस्ट दोस्तों दोस्तों में हाँ। रोस्ट हो जाता है जो चीज मैं पहले चार साल पहले बोलता था अगर वही एग्जैक्ट चीज़ मैं अभी बोलूँ ना किसी को तो लगेगा कि घबंड आ गया अब तो हमें सुना रहा है अब समझो पैसे के ऊपर हमने मजाक कर दिया हाँ। जो चीज में चार साल पहले मजाक करता अभी मजाक क्या था लगा इसके पास तो है इसलिए ये कर रहा है तभी हमें बोल रहा है तो अब ऐसा हो गया कि इतना फिल्टर लग गया है ना मेरे अंदर कि मुझे हर चीज सोच समझ के बोलनी पड़ती है कि भाई उनको तो बुरा लगेगा ही तो वो हो गया है बहुत फिल्टर आ गया है मेरे अंदर खासकर दोस्तों के बीच बात करने में बस कभी कभी-कभी रिस्ट्रिक्टेड सा नहीं फील होता यार। बहुत फील होता है मतलब ऐसा लगता है हाँ मतलब फ्रीली बात नहीं कर सकते आप। क्या अपने आप को किसके सामने दिखाऊं मैं, खुल के किससे बैठ के बात करूं? हाँ। वो फेंस ना ले अगर आप थोड़ा सा अपना दुख भी शेयर कर दो किसी के इतना कुछ है फिर क्या तो है घर है तो वही है कि अरे ऐसा नहीं होता है तो वैसे इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रगल्स क्या क्या है इस पॉइंट पे स्ट्रगल ये है कि काम बहुत ज़्यादा है मैं कम्प्लेन नहीं कर रहा मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूँ कि काम जितना हो जितना देना है सर पे डाल लो भगवान मैं कर लूँगा हैंडल बट वही है कि बहुत ज़्यादा काम है एंड क्योंकि मेरा जॉनर फनी है सो so लोग नहीं मिलते वैसे कि राइटर अगर मुझे चाहिए हुँ. या मुझे एडिटर चाहिए अब मेरे में ऐसा है कि एडिटर को भी फनी होना जरूरी है कि वो कोई मीम डाल दे या कुछ ऐसा टेम्पलेट डाल दे कि फनी हो जाए वीडियो मतलब पाँच परसेंट तो और फनी बना दे वीडियो को हाँ। राइटर जो सेम थाट से अलाइन करे अब मेरा है कि कंटेंट पूरा होता है फैमिली फ्रेंडली तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा डैंक ह्यूमर होता है किसी का किसी राइटर का कुछ लोगों का थोड़ा अब्यूजिव होता है तो हाँ। वो नहीं होता मेरे चैनल के साथ अलाइन मैं करता हूँ डार्क जोक्स करता हूँ मैं डैंक जोक्स लेकिन सब ऑफ कैमरा करता हूँ मैं अब जैसी ऑडियंस बिल्ड हुई है उनको वैसे ही रखना पड़ेगा हाँ, फिर कमेंट आते भाई ये क्या हो गया मैं तो मम्मी के साथ देख रहा था पुराने तो ऐसे ही लगता था की गाली और फनी भी लगता है मैं अचानक से कोई भलती गाली दे दू तो वो फनी लगता है ऑनेस्टली मैं भी बिलीव करता हूँ मोमेंट में आती है, वो। हाँ, वो है लोगों को सुनने है, मुझे भी लगता है क्या करूँ अब नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता हाँ, तो ये जो जो होती हैं एक आपकी personal friendships होंगी जो आपने cultivate करी होंगी आपने हाँ। करी तो सब मैं, 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 क्रिएटर्स मेरी बहुत ऐसी के के बातचीत अच्छी है बहुत कम लोग फ्रेंडशिप है ट्रिगर के साथ अच्छी है साइमन के साथ बहुत अच्छी है साथ बहुत ही अच्छी है

दोस्ती से ज्यादा एक समझौता होता है कि वो दोस्ती आ नहीं होती वो होती वो है हाँ। Is that true? हाँ, ऐसे था? तो हो जाए बट आप उसको किस नजरिए से देखते हो अगर आप ये इतना घुस रहे हो कि अरे नहीं मेरे को तो दोस्ती करना था अगर आप भी समझौता सोच के ही जा रहे हो कि नहीं भाई कोलैब भी हो जाएगा बातचीत भी हो जाएगा दोस्ती भी हो जाएगा जितना आप ठंडा रख के सोचोगे उतना अच्छा रहेगा जितना ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे कि नहीं यार इसको तो मेरे से कुछ चाहिए तो फिर आपको भी किसी ना किसी से कुछ चाहिए ना

यार मेरा था शो बहुत बड़ा एम्बिशन था मैं सच्ची बताऊ ना हा? बहुत मतलब बहुत, बहुत बड़ा जो मैंने कर दिया है मैं यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने कर दिया बिकॉज <laughs> पहले से फैलन देखता था लेट नाइट शोज देखता था ऐसा लगता था यार ऐसे जचूंगा मैं भी ऐसे इधर बैठूंगा तो मस्त लगूंगा एंड uh, तो लगता था कि करना है करना है एंड कर दिया एंड हो भी गया पूरा सीजन खत्म हो गया एंड सोचे नहीं थे वैसे वैसे गेस्ट आए भुवन से शुरुआत की बहुत सारे आए तो मतलब सबसे बड़ा एम्बिशन तो यही था मेरा अभी आगे थगीश शो को कैसे बढ़ा लेके जाना है कैसे और लाइव मैं कर पाऊँ जैसे कपिल करता है क्योंकि इसमें ही मेरी तो तेल निकल गया पूरा मैं बताऊँ <laughs> तेल और बैंक में से सारा पैसा निकल गया मेरा <laughs> वो सोच के तो ऐसा लगता है वो करूँ कैसे क्योंकि बहुत हाई प्रोडक्शन वाला चीज़ है ये मतलब मुझे गेस्ट भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे बुलाने पड़ते जिनसे मुझे व्यूज़ आए मेरा अगर पर्सनली पूछो मुझे सारे यूट्यूबर्स को बुलाना है मुझे सबको जानना है सबसे बात करनी है बट अलाउ नहीं करता फाइनेंस वो हाँ। <laughs> मुझे देख मुझे ब्रांड को भी खुश करना पड़ता है कि ब्रांड भी साले कमिटमेंट मानता है कितना वन मिलियन दोगे दो मिलियन दोगे कितना दोगे व्यूज वो भी लाने पड़ते हैं वो भी लाने पड़ते हैं तो फिर उसी हिसाब से हमें गेस्ट लिस्ट बनानी पड़ती है बट मेरा फ्यूचर में यही है एम्बिशन कि थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ करूँ कि मैं और यूट्यूबर्स को बुला पाऊँ

बाकी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे है एक मेरा फ्रेंड है अर्जुन करके है mm -hmm. अर्जुन पांडे okay. बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता है बहुत अंडर है एंड वो मेरे साथ मॉडलिंग में था ओके okay. हाँ एंड हम लोग एक पेजेंट में थे मिस्टर uh, यूनिवर्सिटी कुछ था तो मैं वो जीता था पेजेंट मैं मिस्टर yeah, यूनिवर्सिटी जीता था mm -hmm. काफी उसमें अलग अलग पुणे से आते कोलपुर वगैरह महाराष्ट्र से आते तो उसमें वो रनर अप था तो अभी रिसेंटली पता नहीं स्क्रॉल करते करते एक रील आई इट वाज सो गुड क्या फिल्म मेकिंग करता है शाउट आउट है भाई उसको देखना उसके वीडियोस बहुत बढ़िया करता है तो आई थिंक वो और ग्रो होना चाहिए ओके okay. और कोई वर्स्ट क्रिएटर्स जो लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया पंगे कराने है क्या क्लिप निकालनी है क्या इसकी <laughs> वर्स्ट तो यार चलो वर्स्ट नहीं तो मतलब समझ नहीं आया इनका कंटेंट समझ नहीं आया आई सी व्हाट यू आर डूइंग ये वाला पार्ट निकाल देंगे सिर्फ वर्स्ट ही रखेंगे और फिर सीधा मेरा आंसर आ जाएगा अरे यार नहीं समझ रहा है मेरे को ऐसे मेरे को तो इंस्टाग्राम पे आधे क्रिएटर्स तो इतने बकवास लगते हैं ना मतलब मेरे को लगता है वो टिकटॉक से सीधा यहीं पे आ गए दो साल तो पहले तो हम लोग वीडियोज़ बनाते थे इंस्टाग्राम इज द न्यू टिकटॉक अब बन गया है वो हाँ। अब हो गया है वो क्या बताऊँ अब छोड़ो नहीं एक भी नहीं याद भी नहीं creators नाम नहीं होते उनके वो इतने खराब होते हैं ना कि वो नाम नहीं होते उनके जैसे एक वो बंदी है अभी पता नहीं वो ट्रेन में नाचती है पता नहीं उसका नाम भी क्या है मैं को याद नहीं देखा है एक वीडियो देखिए हाँ वो वो क्या कर रहे हैं यार ये सब <laughs> बिना सर के कॉन्टेक्ट हाँ तो मतलब वही है अभी आईशो स्पीड आए थे इंडिया हाँ 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 उस इंसान ने इतना मजा किया इंडिया के जो हम इंडिया वाले नहीं यहाँ पे रह के कर सकते दिलेर मेहंदी के साथ वो चिल है दिलेर मेहंदी के मुंह पे भोग के चला गया <laughs> किसने एक्सपेक्ट किया था <laughs> <laughs> वो लिटरली भोग रहा था गाते गाते <laughs> वो पीछे वाला प्रोड्यूसर भी खड़ा हो गया कौन भोग रहा है <laughs> <पत्तवीज>। <laughs>

नहीं मेरा कभी नहीं था गया को. कोई है ही नहीं भी, भाई, मेरा कभी नहीं हुआ, मेरे तो घर पे भी आया है वो खा पी के हम लोग बहुत बढ़िया है सौरभ के साथ मेरा टिकटॉकर तो के, के साथ के बहुत हुआ है जैसे? जैसे, देखो, एक तो उर्फी के साथ हुआ था मेरा थोड़ा बहुत तो, आई मैंने रोज वीडियो बनाया था ना उनको नहीं पसंद आया था तो उन्होंने स्टोरी डाल दी कुछ क्या डाला था उन्होंने मेरे कंटेंट से पैसा कमा रहे हो और मैं पैसा ना कमाऊँ ये गलत बात है ये वो अदान एक बंदा है उसके साथ हो गया था उसका तो बहुत बुरा वाला हो गया था मेरा तो कॉल वॉल करके गाली गलो धमकी हाँ उसका कॉल आ गया था एक्चुअली हाँ। मुझे मैं वेकेशन पे था केरला में तो उसका रात को दो बजे कॉल आया था मुझे

मतलब देख भाई दो बज रहे रात के मेरा बॉक्सिंग करने का मूड नहीं मैं केरला में हूँ मेरे को बॉक्सिंग नहीं करने का है अब उसको करना ही है एमएमए फाइट बोलते इतना ही है तेरे में तो तू आ जा रिंग में मैं बोला क्या बोल रहा है तू बाहर मिल क्या बोल रहा है तू बाहर मिला लोग रिंग के अंदर मिल क्या होता है उसको बोलना तू सोशल मीडिया पे मिल उसको फिर मैंने सुबह एक ट्वीट डाल दिया बाद में लोगों ने देख लिया जो भी करना था बट नहीं उसको करना था एम फाइट एमएमए फाइट करना था

वैसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ चिल करना होता डेंजरस है कुछ नहीं पता कौन सी बात है मैंने जितना नोटिस किया ना बिकॉज वो कभी भी ना वीडियो निकाल लेते हाँ, पता वो हाँ, है। एक तो उनका एक नए तो नए अभी अभी YouTube में घुसे होते हैं वो, वो Instagram से ट्राई कर रहे होते हैं वो जिसको कुछ नहीं पता होता है वो ब्लॉगिंग करता है जो नया नया शिफ्ट होता है ना उनको लगता है कि स्क्रिप्टेड कंटेंट तो नहीं आता ये तो सबसे इजी है बात करना तो वो लोग वो कर लेते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे कैमरा निकालना है कहाँ पे नहीं निकालना है कोई पार्टी चल रही है कुछ चल रहा है वो लोग लो हमेशा कैमरा निकाल लेंगे पीछे दो तीन लोगों के हाथ में बोटल दिख गया <laughs> या कुछ दिख गया तो सबको दिक्कत तो उनके साथ मैं ट्राई करता हूँ पार्टी में तो दूर ही रहूँ किसी इंस्टाग्रामर लोग के पास जाओ ही ना कभी भी कुछ भी बाहर कर देंगे और वो डाल भी देते हैं ब्लॉग उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो वही है वो बाकी यूट्यूबर्स के साथ तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है सबको पता होता है कि कब व्लॉग करना है कब नहीं करना है पूछ भी लेते हैं कि वीडियो है। व्लॉग कर लूँ अभी वो वो लोग तो क्या होता है पता है अभी आप ऐसे कर रहे हो ऐसे कुछ हो। सीधा कैमरा चालू <laughs> फिर आप भी ऐसे हाँ हाँ <laughs> 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 ये तो है यूट्यूब इंडस्ट्री में पैसा है बहुत है यार कितना कमा रहे हो फिर

और मसाज ले रहा है Nice. मैंने बोला ये तो सीधा फ्लाइंग बीस्ट को कंपटीशन दे रहा है भाई मैं भी कमाता हूँ <laughs> लग्जरी लाइफ तो मेरी भी है <laughs> मेरे को तो वही लगा बट हाँ कमा लेते अच्छा खासा मतलब कैसे बताऊँ अभी एक बॉल पार्क मतलब वही गाड़ी वाड़ी ले सकते हैं हर महीने फोर्थ हैंड होंडा सिटी या फिर नई वाली नई वाली नहीं नई वाली ले सकते हैं हर महीने वैसे और एक मिलियन व्यूज जब आते हैं एक वीडियो पे एक अंदाजा कि उस पे एक वीडियो कितना पैसा कमाती है वो डिपेंड करता है कि आपका जॉनर क्या है ओके okay. जैसे टेक वाले बहुत कमाते हैं टेक वालों पे अगर 1 मिलियन व्यूज आए तो अच्छा खासा कमाते हैं फिर व्लॉगिंग वाले ठीक-ठाक करते हैं एंटरटेनमेंट वाले हम तो सबसे गए हुए हमको तो बहुत कम मिलते हैं एंटरटेनमेंट जैसे पता है एड्स होती है अब अगर टेक थोड़ी टेक्निकल चीज़ है मैं बता रहा हूँ आई डोंट नो आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं बट टेक का क्या होता है जब आप जो जैसे वीडियोस बनाते हो ना वैसे ऐड जाते हैं अब एड्स रन करने के लिए भी समझो सैमसंग है तो वो टेक क्रिएटर्स को चुनेगा ज़्यादा ऑटोमेटिकली उसी पे ऐड जाएंगी तो वो महंगी एड्स होती है तो उसकी वजह से क्रिएटर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं ओके अब हमारे में पता नहीं क्या ऐड चलती है फिलू फिलू कौन से कौन से ऐप की ऐड चलती है वो गंदे गंदे डेटिंग डेटिंग ऐप नहीं होते भाभी वैसी वाली ऐड चलती है हमारे वीडियो में

मतलब एटलीस्ट कंटेंट वाइज और जितना लोग इंटरेस्टेड थे और जो गेस्ट भी भी आए थे शायद हाँ, उस चक्कर में सबको लगता है कि यूट्यूबर्स को भेज देंगे तो चल जाएगा बट वो यूट्यूबर्स भी इंटरेस्टिंग होने चाहिए ना गया था दे इंटरेस्टिंग उनकी एक थी वो चाम था दोनों में वन लाइनर्स मार रहे कुछ कर रहे ये कर रहे तो वो देखने में मजा आ रहा था अब वो तुम दस यूट्यूबर्स को भर दोगे गए कहाँ कहाँ से उठा के पता नहीं आधे तो आधे को तो नाम भी नहीं पता कौन क्या करता है प्रैंक वाले क्या करते हैं पता नहीं किसी को भी डाल दिया अंदर

दिखाना है तो आपको डम्ब दिखा देंगे वो बिग बॉस वाले कुछ भी हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं वो वही है फिर चाहे ऑडियंस का कितना भी सपोर्ट हो वो चेंज कर सकते हैं भाई बिग बॉस सबसे बड़ा गुंडा सलमान खान <laughs> है बोलते हैं ना कितना भी कोई भी घर में गुंडा आ जाए सबसे डॉन तो एक ही है <laughs> <laughs> तो सलमान भाई यस इसी बात पे क्योंकि आप YouTube के डॉन बन के आए थे जब आपने रोस्टिंग स्टार्ट करी हाँ। थी अपनी रोस्ट के बाद रोस्ट वी हैव अ फ्यू नेम्स फॉर यू हाँ हाँ तो देखते हैं कि आज आप उनका वन लाइन में कैसे रोस्ट करते हो ओके ठीक है करे ऐसे क्या के? <laughs> ऐसे प्रेशर मत डालो पहले ही बोल दो ना उन्हें कि विद लव हाँ विद लव विद लव यस विद लव एंड अ लिटिल बिट ऑफ हेट नहीं नो हेट नो हेट मेरे को भी नो हेट ओके एलविश यादव तुम तो गाली पढ़वाओगे मेरे को मैंने ना एक मैंने जो वीडियो में अपनी लाइन मारी थी ना वही बोलूँगा एलविश जब एलविश जब बिग बॉस में गया तब सबको लग रहा था कि वो उनकी लाइम चुरा लेगा बिग बॉस का डर था गमला चुरा लेगा नो <laughs> <laughs> <No, <it. laughs> ये मैंने वीडियो में बोली हुई है ऑलरेडी ओके नेक्स्ट ओरी 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 वो सेलिब्रिटीज के साथ जो घूमता है हाँ, अरे ये कौन है यार <laughs>

वहाँ पे हमने ट्रॉफी जीती थी वो इवेंट जीता था ट्रिगर्ड और मैंने तो ट्रिगर्ड आके बोल रहा था कि ये वहीं पे इंसिडेंट हुआ था ट्रिगर्ड आके बोल रहा था कि ये भाई मेरी पहली ट्रॉफी है तो उसकी फिकर मत कर तेरे घर की पहली ट्रॉफी है ओके <laughs> okay, अब ट्रिगर्ड इंसान ट्रिगर्ड इंसान ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान

क्या बोलू नमस्कार दोस्तों ध्रुव <laughs> राठी का आया था ना कि वो बिग बॉस में जाने वाला है हाँ तो ध्रुव हाँ, तो ऐसा हो रहा था कि ध्रुव राठी और का बहुत झगड़ा होगा बिग बॉस में ये सब हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी उनका कुछ है कंट्रोवर्सी तो वो बोल रहे थे राठी बहुत करारा जवाब देगा एलविश को आई वाज लाइक लेकिन राइटर्स और वो नहीं है ना सामने स्क्रीन कैसे देगा ए नो हेट टू एनी ओके आई लव यू ऑल सबसे ओके लास्ट मालूम पड़ा 6 लोग ने अनफॉलो दिख रहा है सब जाके ओके फ्लाइंग बीस्ट फ्लाइंग बीस्ट को ना कभी इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी कोई चीज पे कोई चीज टूट गई तो व्लॉग बना के भरपाई कर लेते होंगे नाइस गुड तो जैसे आपका है द ठगेश शो वैसे एक और शो आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है hmm. आजकल क्या इतने सालों से चलता आ रहा है एक्चुअली वो कॉफी विद करण

ग्लैमर वाला वाइब था ना पुराने में सेट वगैरह वो भी भी नहीं नहीं थी इस बार पता क्या क्या किया है hmm. बत, है बट कंट्रोवर्सी तो हो रही है, और क्या चाहिए उनको उनको भी हो। <laughs> हर एपिसोड से कुछ ना कुछ निकल रहा है बस और क्या चाहिए <laughs> कभी कभी लगता है ये रियल है या पीआर के लिए होता है कंट्रोवर्सी हर एपिसोड में कैसे हो जाते हैं आपको लगता है कि आपके शोस की हाँ मैं जो गेस्ट का रोस्ट होता है ना वो मैं लिख के देता हूँ सब लोग को नहीं आता रोस्ट करने को सबका वो जॉनर नहीं होता कोई ब्लॉगर है कोई टेक वाला बंदा है तो वो कहाँ से रोस्ट लिखे वो थोड़ा सा डरते भी है क्या बोलेगे फिर मैं ही लिख के देता हूँ ये ये बोल दे मेरे पे वो हो जाता है कोई समझो कोई स्केच बनाता है या कोई कुछ करता है तो और कोई तो मुझे जानते भी नहीं है <laughs> तुम्हें तो तो कैसे रोस्ट फिर मैं लिख के देता हूं, ये ये मेरे पे बोल देना पे अगर में किसी को घुसना होगा रिसेंटली यूट्यूब पे स्टार्ट करना होगा हाँ। तो ऐसी कौन सी पांच टिप्स दोगे यंग लोगों को मान लो जीरो बजट जीरो स्टार्ट करें पता नहीं यार जीरो बजट वाला चीज मैं कैसे बोलूं चलो जीरो बजट ये तो होता है कि आपके पास जो है जो पहले से मैं भी मैंने भी पहले बोला है कि आपके पास जो है उससे शुरुआत करो बट अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना कि वो यार मजा नहीं आएगा देखने में आपका क्यों कोई मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखे अनलेस एंड टिल आप कुछ धमाकेदार कर रहे हो कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो कोई कर ही नहीं रहा इंटरनेट पे बट फिर वो प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत तो क्वालिटी दिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपका ऑडियो अच्छा होना पड़ेगा या तो आप ही सोचो अगर कोई फ़ोन पे कैमरा लगा के बात कर रहा है वो कितनी अच्छी बात करेगा जो लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे <laughs> क्योंकि उसका ऑडियो भी ख़राब है उसका वीडियो भी इतना अच्छा नहीं है तो वही है तो एक तो पहले तो देखो जो भी कर रहे हो शॉर्ट्स ज़्यादा बनाओ शॉर्ट्स या रील जो भी है नो मैटर हम कितना भी हेट करें शॉर्ट्स या रील्स को सारे एल्गोरिद्म उसको प्रमोट कर रहे हैं तो वो बनाओ उसका यूज़ करो हमेशा क्या होता है लोग पता है कुछ नया आता है ना तो कंप्लेट ज़्यादा करते है कि अरे ये क्या है इसमें शॉर्ट्स निकाल हाँ, दिया हाँ। ये क्या है रील्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पिक्चर्स तो ख़त्म ही हो गया इंस्टाग्राम पे उसको ज़्यादा वायरल नहीं करते तो वही है कि अब जो वो लोग वायरल कर रहे हैं आप वो बनाओ अडेप्ट करो अब मैं भी शॉर्ट्स चैनल है मेरा भी शॉर्ट्स चैनल है मैं भी मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ और वो बाकी सब चैनल से ज़्यादा ग्रो कर रहा है और फास्टेस्ट ग्रो करता है फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा तो जो भी नया फीचर आता है जो भी एल्गोरिदम पे जो भी प्लेटफॉर्म हो वो यूज करो हमेशा तो पहला तो सबसे ज्यादा वो है एंड जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो बिकॉज कोई भी एल्गोरिदम है ना उसको यही चाहिए कि आप लोगों को रखो उस पर जब तक आप लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर रखोगे वो आपको बूस्ट करेंगे अगर आपकी वीडियो पकाऊ है सड़ रहे लोग दो सेकंड में भाग रहे तो आपको कभी प्रमोट नहीं करेंगे इसकी वीडियो तो हमारा नाम खराब कर रही है हमारा ऐप छोड़ के लोग जा रहे हैं तो वो <laughs> समझ रहे हो ना टेक्निकली <laughs> वो फिर बूस्ट नहीं होगा आपका चैनल <laughs> इस क्यों लोग तो आज हम बात करने वाले हैं सर क्यों करते ताकि लोग एंगेज हो जाए फटाक से कि लोग छोड़ के ना जाए क्योंकि लोग तो ये करते रहते तो वो दो सेकंड में आप कैसे रुका के रख लो स्क्रोलिंग लोगों का वो पूरा मैटर करता है वो है गेम पूरा गेम वही है

सब मिलते हैं तो लोगों को मजा आता है तो इसके लिए आई थिंक सब पॉडकास्ट कर रहे हैं ज्यादा और भी शोज़ आएंगे मेरे बाद बहुत लोग करेंगे शोज एंड hmm. uh, तो आई थिंक वो है बाकी तो क्या है कुछ नहीं हो रहा आई थिंक नया क्या हो रहा है आप बताओ कुछ हो रहा है <laughs> 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 नहीं मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है है ना बाकी <laughs> तो वो रोस्टिंग वोस्टिंग तो चल ही रहा है सालों से व्लॉगिंग तो चल ही रहा है व्लॉगिंग का तो कोई अंत नहीं है मेरे को लगता है व्लॉगिंग का कोई अंत नहीं है व्लॉगर का अंत हो जाता है बस लोग जब बोर हो जाते हैं तो व्लॉगर का अंत हो जाता है क्योंकि क्या है पता है व्लॉगिंग का एक ना रिस्क है आप ग्रो बहुत जल्दी करते हो बट आपको देख के एक बार के लिए लोग बोर हो जाएंगे कितने भी साल हो जाए लोग बोर हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपको चेंज कर दो आपके कॉन्टेंट में एंटरटेनमेंट का क्या है सोलली हमारे अराउंड नहीं है चीज़ हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं लोग वो टॉपिक के लिए भी आते हैं जैसे मैंने बिग बॉस के बारे में बात किया लोग उसके लिए भी आए हैं जैसे मैं अगर कोई स्केच वीडियो बना रहा हूँ एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए भी आ रहा है फिल्म देखने वाले लोग तो वही है कि व्लॉगिंग में कब तक ही आपको देखेंगे लोग या तो आप बहुत ही कुछ धमाकेदार करो या तो फिर ठीक है वो हर अपना पैसा कमा लो तीन चार साल फिर, फिर। <laughs> हो गया तो हो गया ठीक है बट यार ये रहने का डर नहीं लगता होगा हमेशा रहता है।, है वो हर क्रिएटर को रहता है किसको नहीं है मतलब अगर कोई बोल रहा है कि नहीं है तो फिर वो या तो झूठ बोल रहा है या तो बहुत सॉर्टेड है अपने दिमाग में आप दोनों में से क्या हो मैथ मेरे को तो रहता है डर ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत डर रहता है इसके लिए तो मैं नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ मे भी अगर शो नहीं करता तो मे बी मेरे व्यूज कम होना शुरू हो जाते अगर मैं शो नहीं करता तो तो यस डर तो हमेशा रहता है थोड़े भी व्यूज अगर कम आते ही यू फील लाइक अरे बाप रे क्या हो रहा है क्या करे अब क्या करूँ नेक्स्ट hmm. क्या बनाऊँ क्योंकि hmm. तो एक्टिव हो जाते हैं अगर आपके चार तो व्यूज आ रहा है, आप, आपको सब कुछ आने है दिमाग में आपका लोन कैलकुलेशन आपको आ जाता है। जो आप सोच भी नहीं रहता है ना चार वीडियो से अरे वहाँ पर अभी तो इतना लोन है। ये क्या हो रहा है तो ये सब होने लगता है तो होता है सबके साथ होता है और कोई डर अभी लाइफ में और लाइफ में क्या डर है और तो डर नहीं है कुछ

एंड जब बिगड़ना शुरू होता है तब ऐसा लगता बहुत एंक्स हो जाता हूँ कि अरे यार ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है सब एक साथ बिगड़ना शुरू होती है वो डोमिनोज गिरते हैं ना सब एक साथ गिरना शुरू होता है अरे वो भी रिजेक्ट हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ना मेरे शो के लिए ब्रांड आया मेरे पास शो में लॉस हो रहा है अब लॉस में मैंने शो बनाया बट क्या करूँ मैं मेरे को देना था लोगों को कॉन्टेंट तो ब्रांड्स नहीं आए शो पर शुरुआत में कितने एपिसोड्स में तो आई वॉज लाइक क्या कंटिन्यू करूँ या नहीं मैं इतना मैंने ऑलरेडी सेट बना दिया है अब गेस्ट अलाइंड है ना मुझे गेस्ट मिल रहे बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट नहीं मिल रहे शो के लिए जैसे मैंने पहले बोला किए हाँ। मेरे को देख के बुलाने पड़ते हैं गेस्ट तो अब उसमें मेरे को ऐसा हो गया कि फुल स्टॉप लग गया बीच में दो ढाई महीना मैंने एपिसोड नहीं डाला एक भी मुझे लगा क्या करूँ मैं शो भी चल रहा है और साथ में मुझे हफ्ते के दो दो वीडियोज़ भी डालने हैं राइटिंग भी मुझे करनी पड़ती है कभी कभी एडिटिंग भी रील्स वगैरह की मैं करता हूँ तो सब कुछ जब सर पर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि गया ख़त्म सब सब खत्म हो गया सब दिमाग खराब हो गया अब मैं नहीं कर सकता कुछ हाथ जोड़ लेता हूँ तो वो वो सो जाता हूँ <laughs> बंद करके मैं सो जाता हूँ कैसे भी करके मैं सोता कल सुबह जो भी है देखा जाएगा मैं मेरा वही है मेरे से नहीं होता है हैंडल आँख बंद कर लेता हूँ सो जाता हूँ फिर जब सुबह उठते हो तो फिर थोड़ा थोड़ा ठीक होता है सुबह सुबह उठ के जिम चले जाता हूँ पहले तो वरना तो अगर मेन ये है कि मैं जिम चले जाऊँ ना तो मेरा पूरा दिन थोड़ा ठीक ही जाता है अगर मैं जिम नहीं गया ना तो मुझे एक बीटी बढ़ गई मेरी कि मेरा आज जिम नहीं हुआ खुद के लिए कुछ किया नहीं आज मैंने के लिए या तो वो आपके लिए है हाँ। मैंने अपने लिए कुछ किया इमोशन हाँ हाँ हाँ। so, है क्या जिम इमोशन हो गया है अब जाके अब जाके ऐसा हो गया एस्केप हो गया एक जिम के क्योंकि हमारा काम ना बहुत लोनली काम है मैं सच बोलू ना सब क्रिएटर्स का नहीं बोल रहा हूँ जो हमारे जैसे जो घर से वीडियो बनाते एक रूम में बंद होके जो सोलो होते हैं वीडियोस में तो ऐसा है कि बहुत लोनली काम है एक ही रूम में आप हो चार दीवार के बीच में ही हो आप ना लोगों को ज्यादा देख रहे हो ना लोग आपसे ज़्यादा मिल रहे हैं आप वही वीडियो बना के कैमरा पे ही पूरा दिन बात कर करके कर आप वीडियो डाल रहे हो तो वो थोड़ा सा लोनली काम हो जाता है तो वही है इट्स लोनली एट द टॉप हाँ तो है बट नहीं यहाँ पे आई होप आपको लोनली नहीं फील हुआ अरे नहीं बात नहीं बहुत बहुत मजा आया बहुत मजा आया मेरा नाम याद रखोगे ना से कुछ था मेरे को सच्ची में र और स में मैं कंफ्यूज हो रहा था लेकिन अभी मेरे को आगे का ही याद नहीं है स... इसीलिए नहीं जल्दी रिलेशनशिप नाम <laughs> ही याद नहीं सच सिद्धि सिद्धि साधिका साधिका